मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान की वन रिपोर्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड बेल आइकन कर देना, जिससे आपको रोज़ नई नई वीडियो मिलते रहे। तो चलो अब हम देखते हैं राजस्थान वन रिपोर्ट 2022। तो फर्स्ट में देखते हैं भारत वन सर्वेक्षण FSI देहरादून। तो देहरादून ये बना था 1987 में, 17वीं शताब्दी। स्थापना 1 जून 1981 को हुई। यह इकाई पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। भारत के वन वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और ये आपका मैप है, इस मैप को सही देख लो। ये है अपना उत्तराखंड, फिर ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी है। उसके बाद आते हैं हम अगले पेज पर। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान में शिकार एक्ट घोषित करने वाली प्रथम रियासत टोंक थी, जो 1901 में। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध हेतु 1910 में जोधपुर रियासत में वन संरक्षण योजना लागू की गई। राजस्थान में 1949-50 में वन विभाग की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान में वन विभाग का मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान में सर्वप्रथम अलवर रियासत में वन अधिनियम 1935 बनाया, जिसे आज़ादी के बाद 1935 में पारित कर राजस्थान वन अधिनियम बनाया गया। उसके बाद अगला है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वनों को संवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले वन राज्य सूची का विषय था। तो ये क्वेश्चन अपना बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आया था राजस्थान पुलिस में 2022 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो ये देखो, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 जारी की। 2021 की रिपोर्ट सत्रवीं रिपोर्ट है। उसके बाद अगला है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार लगभग 32,862.50 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र दर्ज किया गया है। यह वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% है। कानूनी स्थिति के आधार पर ये सरकार ने इस वन क्षेत्र को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो ये 9.57% है 2019 का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आरक्षित वन। ये फर्स्ट प्रकार का आरक्षित वन, ये फैला हुआ है 12,176.24 वर्ग किलोमीटर में। इस वनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। इनमें किसी वन संपदा का दोहन नहीं कर सकते हैं। राजस्थान में आरक्षित वन के रूप में 12,176.24 वर्ग किलोमीटर या 37.05% वन है। सर्वाधिक आरक्षित वन उदयपुर में है। सर्वाधिक रक्षित वन बारह में है और अवर्गीकृत वन बीकानेर में है। ये तीनों क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं अपने संरक्षित वन या रक्षित वन या अरक्षित वन। ठीक है, तो ये कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है, संरक्षित, रक्षित, आरक्षित। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसके बाद इसको पढ़ते हैं अपन। तो इसका क्षेत्रफल है 18,543.22 वर्ग किलोमीटर। इन वनों की देखभाल सरकार द्वारा की जाती है। इन वनों के दोहन के लिए सरकार कुछ नियमों के आधार पर छूट देती है। राजस्थान में संरक्षित वन के अंतर्गत 18,543.22 वर्ग किलोमीटर का या 56.43% वन क्षेत्र है। सर्वाधिक रक्षित वन बारह में है। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सर्वाधिक रक्षित वन कहाँ पर है। तो ये आपका ऑप्शन होगा बारह में। और एक क्वेश्चन बनता है आपका कि रक्षित वन कितने किलोमीटर में फैले हुए या कितने प्रतिशत पर फैले हुए है। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद आते हैं एवर्गीकृत वन, ये फैले हुए हैं 2143.04 वर्ग किलोमीटर में। एवर्गीकृत वन वे है जिनमें पेड़ों के कटने और मवेशियों के चरने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इन वनों में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवा कर वन संपदा का दोहन किया जा सकता है। राजस्थान में 2143.04 वर्ग किलोमीटर या 6.52 क्षेत्र प्रतिशत क्षेत्र में एवर्गीकृत वन है। सर्वाधिक एवर्गीकृत वन बीकानेर में है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है राजस्थान में वन। राजस्थान में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 25,388 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.4% है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है राजस्थान में कुल वनावरण 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87% है। ठीक है दोस्तों, 16,655 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं राजस्थान में 2019 के आकलन की तुलना में कुल वनावरण एवं 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वनावरण फॉरेस्ट कवर 16,654.96 वर्ग किलोमीटर, 4.87% में फैले हुए। फिर वृक्षावरण ट्री कवर 8,733 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए, 2.56%। ठीक है दोस्तों, कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 25,388 वर्ग किलोमीटर, ये 7.4% में फैले हुए। ठीक है दोस्तों, फिर राज्य के 19 जिलों में वनों में वृद्धि हुई है जबकि 14 जिलों में कमी हुई है। राज्य में गैर वन क्षेत्र नॉन फॉरेस्ट एरिया राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र फल का 93.72% है। ये दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं अपने वनावरण क्षेत्र 4.87% पर है, झाड़ी क्षेत्र 1.41% पर है, नॉन फॉरेस्ट एरिया 93.72% पर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं अपन अगले पेज पर। राजस्थान में घनत्व के आधार पर वनों की स्थिति, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण पेज है। अति सघन वन BDF, BDF का मतलब होता है अति सघन वन। ठीक है, प्लस माइनस 78.15 वर्ग किलोमीटर, 0.02% पर फैले हुए। मध्यम सघन वन MDF प्लस 27 43,663.65 वर्ग किलोमीटर फैले हुए, 1.28%। ठीक है दोस्तों, खुले वन ऑफ -2 ये फैले हुए 12,208.16 वर्ग किलोमीटर पर, 3.57% पर। ठीक है दोस्तों, कुल वनावरण है अपना 16,654.96 वर्ग किलोमीटर, 4.27% पर फैले हुए। कुल झाड़ी क्षेत्र इसके 4,808.51 वर्ग किलोमीटर है, 1.41% फैला हुआ है। अति सघन वन में परिवर्तन नहीं हुआ है, मध्यम सघन वन में 27 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है तथा खुले वनों में 2 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। ठीक है दोस्तों, फिर है राजस्थान के सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले ज़िले। दोस्तों ये अपना राजस्थान पुलिस में अभी आया था 13-14 तारीख को प्रक्षिप्त में, तो इसमें है फर्स्ट है जिला उदयपुर, क्षेत्रफल है 2753.39। उसके बाद है अलवर, उसके बाद अलवर का है क्षेत्रफल 1195.91%। उसके बाद तीसरा प्रतापगढ़ 1033.77। उसके बाद चौथा बारा 1010.05। ठीक है, उसके बाद है पाँचा चित्तौड़गढ़ 990.5। ठीक है दोस्तों, कम वाले है चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर, दौसा। ठीक है दोस्तों, फिर आता है सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र पर वन क्षेत्र वाले ज़िले, ये सर्वाधिक पर है और वो कम पर थे। तो इनमें पहला है उदयपुर 23.49%, दूसरा है प्रतापगढ़ 23.24%, तीसरा है सिरोही 17.49% पर, चौथा है करौली 15.28% पर, पाँचा है बारा 14.45% पर। ठीक है दोस्तों, फिर अगला आता है अपन का जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले ज़िले। ठीक है दोस्तों, तो ये आया था अपना यूपीएसआई में। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में, उदयपुर 23.49% है। उसके बाद प्रतापगढ़ में है 23.24%, सिरोही में है 17.49%, करौली में है 15.28%। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रों वाले ज़िले हैं, इनकी साधारण वो है विधि, ये है यू
यू मैं बता देता हूँ आपको, यू पी एस सी। ठीक है दोस्तों, तो अपने ये है UPSC। ठीक है, फिर आते हैं अपने के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले ज़िले। पहला है जोधपुर 0.48%, दूसरा है चूरू 0.56%, तीसरा है जैसलमेर 0.84%, और चौथा है बीकानेर 0.92%। तो ये कैसे भी पूछे जा सकते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले UPSC, यू से उदयपुर, पी से प्रतापगढ़, सी से एस से सिरोही, सी से करौली। ठीक है, उसके बाद है अपने न्यूनतम वाले पूछे जा सकते हैं, तो ये कैसे है, JJJB। ठीक है, JJB। ठीक है दोस्तों, ये अपनी साधारण ट्रिक है। फिर है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि एवं सर्वाधिक कमी वाले जिले 2021 की। सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले है अजमेर, अजमेर में 26.45%, पाली में 26.01%, बीकानेर में 24.10%। ठीक है, और सर्वाधिक कमी वाले है जालौर -32.46%, फिर करौली -26.16%, सिरोही -13.49%। ठीक है दोस्तों, फिर है सर्वाधिक एवं न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले ज़िले। ठीक है दोस्तों, उसके सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र जिला है पाली 357.60 वर्ग किलोमीटर, फिर है करौली 300.54, फिर है जयपुर 272.85, फिर न्यूनतम झाड़ी वाले हनुमानगढ़ 6.71, गंगानगर 15.78, चूरू 27.48। ठीक है दोस्तों, फिर वन संपदा बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, सीता माता अभ्यारण्य यहाँ पर, कथा उदयपुर चित्तौड़गढ़ झालावाड़, कत्था पाया जाता है उदयपुर चित्तौड़गढ़ झालावाड़ बूंदी भरतपुर, फिर तेंदूपत्ता पाए जाते हैं उदयपुर चित्तौड़गढ़ बारा कोटा बूंदी बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, फिर खस घास होती है, ये पाई जाती है भरतपुर सवाई माधोपुर टोंक, इत्र बनाने के लिए काम आती है, महुआ एक पेड़ होता है। ठीक है दोस्तों, इसके पत्ते बहुत काम आते हैं। ये है डूंगरपुर उदयपुर चित्तौड़गढ़ झालावाड़। ठीक है, फिर है आमल या झाबुई, ये पाई जाती है जोधपुर पाली सिरोही उदयपुर में। ठीक है, फिर शहर मोम, ये अलवर भरतपुर सिरोही जोधपुर। मोम से आता है मेव होता है, मेव कहाँ पर पाई जाती है, अलवर भरतपुर में, शहर सिरोही जोधपुर। ठीक है दोस्तों, फिर आया अपन का गोंद पाया जाता है बाड़मेर का चौहटन क्षेत्र होता है ना, उसमें पाया जाता है गोंद। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं अपन के तेंदूपत्ता से बीड़ी बनती है, इसे टिमरू भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर खस एक प्रकार की घास है, इसे सरबत इत्र बनते हैं, महुआ से आदिवासी शराब बनता है, आमल चमड़ा साफ करने में काम आती है, कत्था हंडी प्रणाली से कथौड़ी जाति द्वारा बनाया जाता है, कत्थे के साथ कीटचिन निकलती है जो चमड़े को रंगने में काम आती है। ठीक है दोस्तों, और फिर अपन के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहूँगा। तो दोस्तों, आप सभी से अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे, और मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो बना के यूट्यूब पर डालता रहूँगा। अगली बार सोचते हैं किसका वीडियो सेट करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भेजता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।